और एरोस्पेस सेक्टर में भी हम महिलाओं के लिए नए अवसर बनाने में जुटे हैं। चाहे फाइटर पायलट्स हो या फिर सिविल एविएशन हो, आज भारत महिला पायलट्स के मामले में लीड कर रहा है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज भारत के पायलट्स में से 15% विमेन पायलट्स हैं। और इसका महत्व तब समझ में आएगा कि ये ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। आज जिस बोइंग सुकन्या प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, उससे भारत के एविएशन सेक्टर में हमारी बेटियों की भागीदारी और बढ़ेगी। इससे दूर दराज के इलाकों में गरीब परिवार की बेटियों का पायलट बनने का सपना पूरा होगा। इससे देश के अनेकों सरकारी स्कूलों में पायलट बनने के लिए कैरियर कोचिंग और डेवलपमेंट की सुविधाएं बनेगी। साथियों, अभी कुछ महीने पहले ही आपने देखा है कि कैसे भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। इस सफलता ने देश के नौजवानों में साइंटिफिक टेंपर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। भारत स्टेम एजुकेशन का भी बहुत बड़ा हब है और आप और बड़ी संख्या में भारत में लड़कियां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ की पढ़ाई करती है। और मुझे याद है, मैं कभी मेरी विदेश यात्रा के समय एक देश के बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहे थे कि क्या भारत में बेटियां इस स्टेम के तरफ रुचि रखती है क्या, वहां पढ़ती है क्या। और जब मैंने उनसे कहा कि हमारे यहां मेल स्टूडेंट से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट की संख्या इसमें ज्यादा है, तो उनके लिए सरप्राइज था। बोइंग सुकन्या प्रोग्राम को भारत की बेटियों के इस सामर्थ्य का भी बहुत लाभ मिलने जा रहा है। फ्रेंड्स, आप सभी ने एविएशन मार्केट के रूप में भारत की ग्रोथ को स्टडी भी किया है और उसकी ट्रेजेक्टरी को फॉलो भी कर रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत का एविएशन मार्केट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है। आज एविएशन सेक्टर से जुड़ा हर स्टेक होल्डर नए उत्साह से भरा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक हर स्टेक होल्डर भारत में नई संभावनाएं तलाश रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। एक दशक में भारत में डोमेस्टिक पैसेंजर्स की संख्या 2 गुनी से भी अधिक हो जा चुकी है। इसमें उड़ान जैसी योजनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब अगले कुछ वर्षों में डोमेस्टिक पैसेंजर्स की संख्या और भी बढ़ने जा रही है। इतनी बड़ी डिमांड को देखते हुए ही हमारी एयरलाइंस ने सैकड़ों नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। यानी भारत दुनिया के एविएशन मार्केट को
एक नई ऊर्जा देने जा रहा है। फ्रेंड्स, आज हम सभी भारत के एविएशन सेक्टर को लेकर इतने उत्साह से भरे हैं, लेकिन 10 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे ग्लोबल एविएशन सेक्टर में भारत इतना आगे बढ़ गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि आज भारत अपने नागरिकों की एस्पिरेशंस और ईज ऑफ लिविंग को सर्वोपरि रखते हुए काम करता है। एक समय था जब पुअर एयर कनेक्टिविटी हमारे यहां बहुत बड़ा चैलेंज थी। इस वजह से भारत अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में नहीं बदल पा रहा था, इसलिए हमने कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को अपनी प्राथमिकता बनाया। आज भारत दुनिया के सबसे वेल कनेक्टेड मार्केट में से एक बन रहा है। 2014 में भारत में 70 के आसपास ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे, आज देश में 150 के आसपास ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। हमने नए एयरपोर्ट ही नहीं बनाए बल्कि अपने एयरपोर्ट्स की एफिशिएंसी को भी कई गुना बढ़ाया है। फ्रेंड्स, भारत की एयरपोर्ट कैपेसिटी बढ़ने से एयर कार्गो के क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इससे भारत के दूर सुदूर के क्षेत्रों के प्रोडक्ट उसको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना आसान हो रहा है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। फ्रेंड्स, अपने एविएशन सेक्टर की ये ग्रोथ बनी रही है और तेज हो, इसके लिए भारत पॉलिसी लेवल पर लगातार कदम उठा रहा है। हम राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एविएशन फ्यूल से जुड़े टैक्सेस को कम किया जाए, एयरक्राफ्ट लीजिंग को भी हम आसान बनाने में जुटे हैं। हमारा प्रयास है कि एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग में भारत की ऑफशोर डिपेंडेंस कम हो, इसलिए गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की स्थापना भी की गई है। इसका लाभ भी पूरे देश के एविएशन सेक्टर को मिलेगा। साथियों, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। बोइंग और दूसरी इंटरनेशनल कंपनियों के लिए भी ये सही समय है। ये उनके लिए भारत की तेज ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ को जोड़ने का समय है। आने वाले 25 साल में विकसित भारत का निर्माण अब 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बन चुका है। बीते 9 सालों में हमने लगभग 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये करोड़ों भारतीय अब एक नियो मिडिल क्लास का निर्माण कर रहे हैं। आज भारत में हर इनकम ग्रुप में अपवर्ड मोबिलिटी देखी जा रही है। भारत का टूरिज्म सेक्टर भी
तेज गति से एक्सपांड कर रहा है, यानी आप सबके लिए एक से बढ़कर एक नई संभावनाएं बन रही है। आपको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है। फ्रेंड्स, जब भारत में इतनी संभावना है, तब हमें भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का भी तेजी से निर्माण करना होगा। भारत में एमएसएमई का एक सशक्त नेटवर्क है। भारत में एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। भारत में एक स्टेबल सरकार है। भारत में मेक इन इंडिया, मुख्यमंत्री जी ऐसा होता रहता है, भारत में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी अप्रोच है। इसलिए ये हर सेक्टर के लिए विन विन सिचुएशन है। मुझे विश्वास है भारत में बोइंग के पहले फुली डिजाइन, बोइंग के लोग सुने, फुली डिजाइन और मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। मुझे विश्वास है कि भारत की एस्पिरेशंस और आपकी एक्सपांशन ये एक मजबूत पार्टनरशिप के रूप में उभरेगी। आप सभी को इस नई फैसिलिटी के लिए फिर से शुभकामनाएं और विशेष रूप से दिव्यांग जनों को लेकर के आपने जो काम किया है, और सिर्फ मुझे जिनसे मेरा मिलना हुआ और जिस प्रकार से मेरे से बात हो रही थी, मुझे सिर्फ एक व्यवस्था मात्र नहीं दिख रही थी, मुझे उसमें एक इमोशनल टच फील होता था। और बोइंग की टीम के कन्विक्शन के बिना ये इमोशनल टच संभव नहीं है। मैं इसके लिए बोइंग टीम को विशेष रूप से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैभवशाली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेसिंग दिस इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस। जोरदार तालियों के साथ हम सब अभिनंदन करेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका कि आप समय निकाल आज यहाँ आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डिपार्ट्स फ्रॉम द वेन्यू, प्लीज डू रिमेन सीटेड अंटिल ही एग्जिट्स द वेन्यू। वी विल वेट फॉर आवर सीनियर डिग्निटरीज टू ऑल्सो लीव द वेन्यू स्मूथली।